हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास नाइन्थ स्प्रिंट बैच के चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम का लेक्चर फाइव। लेक्चर फाइव में हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू के चार लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देखिए, तभी आपको ये लेक्चर नंबर फाइव अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो एजेंडा होने वाला है, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का क्या होते हैं, इसका मैंने इससे पहले वाला लेक्चर नंबर फोर पूरा अच्छे से आप लोगों को वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करके वहाँ पे अपलोड कर दिया। पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्या हो जाएगी, समझ में आने लग जाएगी। तो देखो, ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स का क्या मतलब है, यानी हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि नॉर्मल रेशनल नंबर्स होते थे या इंटीजर्स होते हैं, उनको एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, इरेशनल नंबर्स को भी क्या करने वाले हैं, एड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो देखो कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, पहले तो हमें उनको याद रखना पड़ेगा। और रूल्स अगर याद हो जाते हैं तो उसके बाद में कैसे क्वेश्चंस करेंगे, ये सारी चीज़ हम आगे की स्लाइड्स पे देखने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा जो आज का पढ़ने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। भाई इरेशनल नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो इसको कैसे समझेंगे, उसको ध्यान से समझना। इरेशनल नंबर्स के मैंने यहाँ पे दो टाइप्स लिखे हैं, एक लाइक इरेशनल नंबर्स और एक अनलाइक इरेशनल नंबर्स। दोनों होते क्या हैं उसको समझो। देखो इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ रूट थ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे थ्री स्क्वायर रूट थ्री है, एट रूट थ्री है और वन बाई टू रूट थ्री है। अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा होगा आप लोगों को, एक चीज़ दिख रही होगी कि रूट थ्री तीनों में चारों जगह पे आ रहे हैं। एक्चुअल में जो भी स्क्वायर रूट में नंबर लिखा होता है ना, इसको बोला जाता है इरेशनल फैक्टर, इरेशनल फैक्टर। तो अब यहाँ चारों नंबर्स में एक चीज़ कॉमन है, सबके इरेशनल फैक्टर्स क्या हैं, सेम है। तो ऐसे इरेशनल नंबर्स जिनके इरेशनल फैक्टर्स क्या हो, सेम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक इरेशनल नंबर्स। ये लिख भी दिया कि इरेशनल नंबर्स हैविंग द सेम इरेशनल फैक्टर, जिनके इरेशनल फैक्टर्स सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लाइक इरेशनल नंबर्स। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल बनाऊं कि कहीं पर रूट फाइव लिखा हुआ है कोमा टू रूट फाइव लिखा हुआ है, तो ये दोनों भी क्या है, लाइक इरेशनल नंबर्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ रूट फाइव और रूट फाइव दोनों में इरेशनल फैक्टर है जो कि कॉमन है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करते हैं अनलाइक इरेशनल नंबर्स, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा कि जिसमें जो इरेशनल फैक्टर है वो क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाऊँ, जैसे एक है रूट टू लिख दिया, एक थ्री रूट थ्री लिख दिया, एक फाइव रूट सेवन लिख दिया। तो देखो इसमें इरेशनल फैक्टर रूट टू है, यहाँ इरेशनल फैक्टर रूट थ्री है और यहाँ इरेशनल फैक्टर रूट सेवन है। एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि ये फाइव और रूट सेवन ये पूरा एक सिंगल नंबर है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। यानी ये एक्चुअल में फाइव रूट सेवन का मतलब है फाइव और रूट सेवन का मल्टीप्लाई। तो दोनों में से ये वाला पार्ट इसका क्या कहलाएगा, एक इरेशनल फैक्टर कहलाएगा, इरेशनल फैक्टर। और ये वाला बाकी वाला पार्ट क्या कहलाता है, रेशनल फैक्टर कहलाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, रेशनल फैक्टर। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो देखो यहां पे तीनों में इरेशनल फैक्टर्स डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या होंगे, अनलाइक इरेशनल नंबर्स। अब हमें इन टाइप्स को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो जब हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, मान लो हमारे को किसका, इरेशनल नंबर्स का, तो जब इरेशनल नंबर्स को एड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो केवल क्या कर सकते हैं हम, लाइक इरेशनल नंबर्स को ही एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक इरेशनल नंबर्स कभी भी एड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसको कैसे समझे, तो देखो मैंने यहाँ पे नोट भी लिख दिया है कि ओनली लाइक इरेशनल नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब इसको कैसे समझे, तो देखो जैसे यहाँ पे लिख रखा है टू रूट टू माइनस फाइव रूट टू। पहले बात तो ये देखो कि क्या दोनों लाइक है, यहाँ पे रूट टू और रूट टू दिख रहा है, रूट थ्री और रूट थ्री दिख रहा है। फिर यहाँ देखो फाइव प्लस रूट टू माइनस टेन प्लस थ्री रूट टू, तो यहाँ पे देखो ये वाले दोनों एक जैसे हैं क्योंकि रेशनल नंबर्स हैं, और ये दोनों के दोनों क्या है, एक जैसे हैं। फिर बात करें यहाँ, तो देखो यहाँ इरेशनल फैक्टर कितना है, रूट टू है, और यहाँ इरेशनल फैक्टर कितना है, रूट थ्री। तो ये दोनों तो ये यहाँ दिख रहे होंगे
कि ये अनलाइक टाइप के हैं, तो अनलाइक है तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। अभी मैं आगे भी एक नोट के अंदर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको हम कंबाइंड नहीं कर सकते। मतलब यही क्या है, यहीं पे हमारे को इसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, इसको आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर यहां इसको कैसे सोल्व करें ये समझते हैं। तो देखो, 2√3 − 5√3, अब इसको ऐसे समझो, अगर 2 − 5 होता तो जैसे नॉर्मल हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे यहां भी सब्ट्रैक्ट करना है। बस ये ध्यान रखना है इरेशनल फैक्टर ऐसे कैसे आ जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, 2 − 5 कितना होता है, −3। भाई जब एक नंबर पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो जो लार्जर नंबर होता है उसमें से स्मॉलर नंबर को सेपरेट कर दो, 5 − 2 करो तो 3 आएगा, लेकिन लार्जर नंबर नेगेटिव था इसलिए −3 आ गया, और इरेशनल फैक्टर क्या आ जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, −3√3। अब यहाँ कैसे सोल्व करें, तो देखो यहाँ पे जो लाइक वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर लो, तो 5 − 10, तो 5 − 10 करोगे तो कितना आएगा, −5। और ऐसे ही √2, एक्चुअल में ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो √2 लिखा हुआ है इस, ये एक्चुअल में कितना है, 1√2, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये देखो 1√2 और 3√2 कितना हो गया, +4√2। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये √2 है, ये 3√2 है, कंबाइन करने पे कितना हो गया, 4√2, दोनों प्लस के थे इसलिए 4√2 हो गया। अब ये मैंने बता दिया ये अनलाइक है, ये लाइक को हमने ऐड कर दिया। अब क्या इसको कैसे समझे, तो वो भी समझ लेते हैं। तो देखो ध्यान से समझना इसको, या √2 है या रूट है, 8 है, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये दोनों क्या है, अनलाइक है, लेकिन यहाँ √8 को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से समझना। देखो यहाँ √2 को मैं √2 लिखता हूँ, √8 को मैं लिख देता हूँ 4 × 2। जब इसको 4 × 2 लिख दिया, तो ये 4 जब का स्क्वायर रूट है और 2 का भी स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 2 होता है, तो उस 4 के स्क्वायर रूट को हम बाहर लेके आ जाएंगे, तो ये √2 ऐसे कैसे चल रहा है, प्लस इस 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा, और रूट में कितना बच गया, ओनली 2 बच गया, और इसको फिर से आगे सोल्व करोगे तो √2 और 2√2 कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये नोट हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी इरेशनल नंबर्स को ऐड करना है, तो ये देखो कि वो लाइक है या नहीं है, अगर लाइक है तो उनको कंबाइंड कर दो, हो रहे ठीक है, जो भी हमारे जो बेसिक रूल्स है प्लस माइनस के उनको अप्लाई करके, और अगर अनलाइक है तो उसको वहीं पे छोड़ दो। अब हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक था, ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। 2 रूल्स तो मैंने यहीं समझा दिए, मैंने यहाँ वापस लिख दिए हैं बस, कि लाइक इरेशनल नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जैसे कि √3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यहाँ मैं बता देता हूँ कि कहीं पे ओनली √3 दे रखा है तो इसका मतलब है 1√3, कहीं पे −√3 कहीं दे दिया तो इसका मतलब है −1 × √3, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला नोट क्या है, कि अगला रूल है कि अनलाइक इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अनलाइक को क्या नहीं कर सकते हम, एड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे √2 + √3 है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंबाइंड करके नहीं लिख सकते। इसका मतलब ऐसा है कि कहीं पे ऐसा दिया हुआ है √2 + √3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्या कर दिया, 2 और 3 को क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया और ऐड करके लिख दिया बराबर √5, तो ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ मैंने नॉट इक्वल करके लिखी है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये दोनों अप्लाई करना है हमारे को। अब कई बार क्या होता है, इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। भाई जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, लाइक होना जरूरी है, तो क्या इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए भी लाइक होना या अनलाइक होना जरूरी है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो देखो, इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो चीज़ सेम होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ये ऑर्डर क्या होता है उसको समझो। तो देखो, जैसे यहाँ पे मैं कोई पावर 2 नंबर लिख रहा हूँ, इसकी यहाँ पे पावर लिख रहा हूँ 3, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √2। स्क्वायर रूट का मतलब आप लोगों को पता होगा कि पावर कितनी होती है, 1/2। कहीं पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 की पावर 1/3 लिख दिया मान लो, तो यहाँ पे जो ये 3 है, ये 1/2 है और ये 1/3 है, इसको ही क्या बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर का क्या मतलब है। तो अब हमारे को क्या करना है, इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो केवल क्या कर सकते हैं हम,
सेम ऑर्डर वाले इरेशनल नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किस तरीके से करेंगे वो यहाँ देखो मैंने यहाँ लिखा है। तो इरेशनल नंबर्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग लॉ। कौन सा लॉ है? तो देखो यहाँ पे ए है, पहले इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये साइन कहीं दिखता है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, और इसका मतलब ये है कि इसकी पावर कितनी है, 1/2, यानी ऑर्डर कितना है, 1/2। अगर कहीं यहाँ छोटा सा 3 लिखा हुआ है और ये रूट लगा हुआ है तो इसको बोला जाता है क्यूब रूट, और इसका मतलब होता है पावर 1/3। लेकिन यहाँ एन लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल एन लिखा हुआ है छोटा सा, तो उसका मतलब होता है nth रूट। जैसे क्यूब रूट का मतलब होता है थर्ड रूट बोल सकते हो, फिर फोर्थ रूट भी होता है, ऐसा कोई सा भी रूट हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन लिखा हुआ है तो nth रूट है। nth रूट का मतलब है पावर कितनी है, 1/n। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो देखो यहाँ पे एक नंबर है ए, इसका nth रूट है, मतलब इसकी पावर कितनी है, 1/n है। फिर यहाँ एक नंबर है बी, इसकी इसका भी कौन सा रूट है, nth रूट है, तो इसकी भी पावर कितनी है, 1/n। तो कंडीशन क्या है दोनों की मल्टीप्लाई करने की, कि सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ए का ऑर्डर भी कितना है, 1/n, बी का ऑर्डर भी कितना है, 1/n। तो हमें क्या करना है, सिंपली इनके जो स्क्वायर रूट या फिर रूट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, और ऑर्डर क्या रहने वाला है, वो का वो ही रहने वाला है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो ए और बी यूज किए हैं हमने, ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि अभी तक हम जो नंबर्स पढ़ते हैं ना वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब है कि स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव नंबर जब भी आएगा तो उसका रिजल्ट हमेशा रियल नंबर निकल के आएगा, ठीक है, वो उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। आगे जाके आप 11th में ये सीखोगे कि यहाँ स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, तो उन नंबर्स को हम इमेजनरी नंबर्स बोल देते हैं। तो अभी हमारे सिलेबस में केवल रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो रूट टू दे रखा है, रूट थ्री दे रखा है, रूट का टू का मतलब है सेकेंड रूट है, यानी 1/2 इसकी भी पावर है, 1/2 इसकी भी पावर है, तो दोनों पॉजिटिव भी है स्क्वायर रूट में, तो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करके कॉमन रूट लगा दिया, ठीक है। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इसका जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करने पे वो कितना आया, √6 आया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम ये देखते हैं कि अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और साथ में मल्टीप्लाई के अलावा डिवाइड करना हो तो उनको कैसे करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट हमारे रिजल्ट्स हैं उनको भी हम देखेंगे, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम एक नोट देखते हैं पहले कि जो कि अगर जो नंबर्स इरेशनल नंबर से जिनको मल्टीप्लाई करना है तो उनका ऑर्डर अगर सेम नहीं हो तो क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि ऑर्डर सेम बनाना पड़ेगा, और सेम एक बार ऑर्डर बन गया और उसके बाद में हम सिंपली जैसा हमने लो पढ़ा था थर्ड वाला लो, सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे इफ द इरेशनल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर वो इरेशनल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करना है वो सेम ऑर्डर के नहीं है, तो वी फर्स्ट रिड्यूस देम टू द सेम ऑर्डर। तो हमारे को सबसे पहले उनको इस तरीके से सोल्व करना है कि दोनों के ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। एक एग्जांपल से अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड देन मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो अभी उसके बाद में जैसे हमने लॉ पढ़ा था कि दोनों के क्या करो, स्क्वायर रूट के अंदर या रूट के अंदर जो भी है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो इस एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 3 का ऑर्डर है 1/2 और 5 का ऑर्डर है 3/2, तो हमें दोनों का ऑर्डर सेम बनाना है। तो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो इसका ऑर्डर भी 3/2 बना दो, या इसका ऑर्डर भी 3/2 बना दो, मतलब ये इसका ऑर्डर तो 3/2 है तो इसका भी 3/2 बना दो, या फिर इसको भी 1/2 बना दो जिससे कि ये भी इसके बराबर हो जाएगा, या दोनों को ही कुछ और बना दो, लेकिन दोनों के ऑर्डर क्या करने हैं, सेम करने हैं। तो देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसको तो मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, 5 की पावर 3/2 है, इसको 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और उस पूरे की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। यह आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है, जैसे ए की पावर एम है और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/n है, तो पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/n से, तो m 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 लगा लो, तो m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, m, और नीचे कितना आएगा, n आ जाएगा, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो मैंने यही तो किया है,
इस वाले 3 को यहाँ लिख दिया और उसकी पावर कितनी कर दी, यहाँ 1/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 3 वापस से क्या बन जाएगा, 3/2। इससे अब यहाँ देखो क्या फ़ायदा होगा कि दोनों की जो का ऑर्डर है वो कितना बन गया, 1/2 1/2 बन गया। अब यहाँ क्या करेंगे, सिंपली जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, और इसको इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। जब इसको और आगे लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, 125 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा ये 375, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ऑर्डर आपको सेम बनाना आना चाहिए, और हम बाकी के क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं तो उसके अंदर अच्छे से इसको और समझेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू। अब अगला हमारा है लॉ नंबर 4। इसके अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही सेम यहाँ करना है डिवाइड में। अगर सेम ऑर्डर के दो इरेशनल नंबर्स हैं तो इनको सिंपली डिवाइड कर दो। तो जैसे यहाँ पे ए है जिसका ऑर्डर 1/n है, और इसका ऑर्डर कितना है, 1/n है, बी का भी ऑर्डर, दोनों डिवाइड की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये हमारा डिवाइड है। तो सिंपली क्या करो, दोनों का ऑर्डर कॉमन आ जाएगा एन, और दोनों को ए को किससे डिवाइड कर दो, बी से डिवाइड कर दो। बस ध्यान ये रखना है कि ए और बी जीरो मतलब पॉजिटिव होने चाहिए, और यहाँ जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ भी ऑर्डर कितना है, रूट है, स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 125 डिवाइड बाई 5, इसको इससे डिवाइड करो, 25 टाइम होगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, रिमार्क्स मतलब कुछ रिजल्ट्स है जो तुम्हें कैलकुलेशंस करने के लिए हमेशा यूज करने पड़ेंगे, और वो याद नहीं होंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन में एरर कर सकते हो, कोई भी मिस्टेक कर सकते हो। तो वो रूल्स हमारे को पता होने चाहिए। इनमें से देखो ये दोनों रूल्स तो अभी अभी मैंने पढ़ाया कि अगर आप लोगों को दिया हुआ है ए और बी, यहाँ पे जो भी मैं कुछ लिखूंगा ना ए बी, आगे मैं सी और डी भी यूज करूंगा, ध्यान रखना है सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। ए और बी दोनों स्क्वायर रूट में लिखे हुए, दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो दोनों को क्या कर दो, कंबाइंड करके एक जगह पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे √3 दे रखा है, मल्टीप्लाई √5 दे रखा है, दोनों स्क्वायर रूट है, ऑर्डर सेम है, तो दोनों को क्या कर सकते हो, 3 × 5 बराबर इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, √15। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। डिवाइड वाला भी सेम ऐसे ही तरीके से कर सकते हैं, जैसे √15 को डिवाइड करना है √3 से, तो दोनों का ऑर्डर सेम दिख रहा होगा, 1/2 1/2 मतलब √√, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 टाइम, तो रिजल्ट कितना आ गया हमारा, √5। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक चीज़ है जो हमेशा याद रखनी है, कहीं पे √±√b दे रखा है, जैसे √a±√b, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, और दोनों का कॉमन रूट लिख दिया। मतलब मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, कहीं पे √3+√2 दे रखा है, तो इसका मतलब √3+2 = √5 नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको लास्ट स्लाइड पे बता चुका हूँ कि ये दोनों के दोनों क्या है, अनलाइक इरेशनल नंबर से इनको कंबाइंड नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इन दोनों को कंबाइंड करके लिख देते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि जैसे मल्टीप्लाई में हो रहा है वैसे ही क्या हो गया, एडिशन में भी हो गया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर जैसे √a और √a को एड करना है, तो इसका मतलब कितना होगा, ये होगा √a, ना कि √2a, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। √a और √a इसका मतलब है कि ये 1√a है और ये कितना है, 1√a है, दोनों को कंबाइंड करोगे तो कितना बनेगा, 2√a, ना कि अंदर वालों को हमने ऐड कर दिया 2a, 2a का स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 2√a। तो ये सही है और ये गलत है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा पता तो आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेशन में कहीं भी ऐसा बना आप गलत कर सकते हो उसको, और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे का रिजल्ट क्या आता रहेगा, गलत आता रहेगा। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिफ्थ रिमार्क है वो क्या है वो समझो, कहीं पे √a और √a को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, दो नंबर्स को सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है उसका स्क्वायर रूट है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आएगा, केवल a आएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे मैं प्रूफ भी बता देता हूँ इसका। कहीं पे a दे रखा है और उसका स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1/2 है, और इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है हमारे को, 2 दे रखी है,
और अभी अभी हमने पढ़ा था कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। आगे मैं पावर एंड एक्सपोनेंट नाम का एक पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें आप लोगों के और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस याद रख सकते हो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, पावर कितनी बच गई 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती पावर में, तो जिसकी कुछ भी पावर नहीं होती वो 1 होती है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट था, जब इसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट हट गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई नंबर स्क्वायर में उसका स्क्वायर रूट करें तो भी क्या होगा, स्क्वायर रूट हट मतलब स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट से केवल क्या बचेगा, ए बचेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊँ तो रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। अगर रूट थ्री का स्क्वायर या रूट टू का स्क्वायर करना है तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पहले मैं इन दोनों इसको करके बताता हूँ, देखो ये क्या है, ये अच्छा वो है रिजल्ट, तो ध्यान से समझना। तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे ऊपर ए नंबर दे दिया नीचे रूट ए दे दिया, तो इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, मैं क्या करूँगा ऊपर भी रूट ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी रूट ए से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसा ही क्यों किया, इस टॉपिक को मैं यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, रैशनलाइजेशन वाले टॉपिक में रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे, तो उसमें क्या करेंगे हम, जो ये डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दे रखा है ना, इस इरेशनल नंबर में से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनल बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे रूट ए है तो रूट ए को रूट ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो अब इसको आगे सोल्व करने पे क्या बनेगा, देखो ए मल्टीप्लाई रूट ए ऊपर तो, और नीचे रूट ए और रूट ए कितना हो जाएगा, ए, और ए से ए डिवाइड हो गया, कितना बचा ओनली ए। तो अगर कभी ऐसे सिचुएशन आती है तो हमेशा ध्यान रखना है ये वाली चीज़ हमें करनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू भी कर लेते हैं, जैसे 3√3 का रिजल्ट कितना निकल के आए, इस रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 वापस क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। नीचे कितना है, √3 है, √3 से √3 डिवाइड हो गया, कितना आया, 3 आ गया, √3। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये कई बार क्या होता है, स्क्वायर रूट में कोई बड़ा नंबर दे देता है तो इसको हमें इतना ही नहीं छोड़ना है, इसको आगे भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं वो ध्यान से समझना, तो हमें इसको क्या करना है, फैक्टर्स कर लेना है इसके अंदर अगर हो रहे हैं तो, अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे 20 है, तो 20 के मैं फैक्टर सोच पा रहा हूँ वो है 4 और 5। मैंने 4 और 5 ही क्यों किया, 2 × 2 × 5 भी लिख सकते हो आप चाहो तो, मैंने 4 × 5 क्यों किया है, अभी आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 3। आप इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हो, 2 × 2 × 2। मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में एक तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में धीरे धीरे नहीं कर सकते, पेपर कंप्लीट करना है आप लोगों को, गिवन टाइम में अगर पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो आप लोगों को कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए ये चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे 4 है और मल्टीप्लाई 5 है, तो अब देखो ये हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर 2 मल्टीप्लाई में दिए तो इसको ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, √4 × √5। तो √4 क्या होता है, √4 कितना होगा, 2, और √5, तो इसका रिजल्ट कितना बन गया, 2√5। और यहाँ पे 16 के लिखने से क्या फ़ायदा होगा, इसको 16√ और 3 का भी स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 4√3 आ गया। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और हम रिजल्ट्स हैं उनको हम देखते हैं और उसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं, तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाएगा, अगर उस टाइप का कुछ हमारा जो ऑपरेशंस करते वक्त रिजल्ट बन जाता है तो उसको आगे फर्दर कैसे सोल्व किया जाएगा वो हम यहाँ देखते हैं। तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे रूट ए है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है बीच में, और रूट बी है, उसका होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आप लोगों ने होल स्क्वायर वाली एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 8th क्लास में, यहाँ भी हम 2nd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को यहाँ समझा देता हूँ, फिर मैं यहाँ मिटा दूंगा। तो आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर करना हो तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ a की जगह पे तो रूट ए है, और b की जगह पे रूट बी है, और बीच में प्लस है या माइनस है, तो प्लस होगा, जब प्लस लेंगे तो उसके साथ में प्लस का 2ab लिख देंगे,
और माइनस होगा तो माइनस का 2ab के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर। अब a की जगह पे कितना है, यहाँ पे रूट ए है भाई, इसके साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, या इसी फॉर्म में लिखा हुआ रहने देता हूँ। देखो फिर प्लस बी, बी की जगह पे यहाँ कितना है रूट बी, भाई माइनस होता तब भी प्लस बी स्क्वायर आता। फिर क्या आता प्लस, अगर प्लस लोगे तो प्लस के अकॉर्डिंग आएगा टू, ए की जगह पे रूट ए और बी की जगह पे रूट बी, और माइनस लोगे तो माइनस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब अभी अभी हमने एक लास्ट स्लाइड पे पढ़ा था कि रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो इसका क्या बनेगा आगे, रूट ए का स्क्वायर ए बन गया, रूट बी का स्क्वायर बी बन गया, प्लस माइनस। अब ये भी हमने पढ़ा, देखो रूट ए और रूट बी है, इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो जब रूट ए और रूट बी दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं तो दोनों को कंबाइंड करके लिखा जा सकता है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, टू रूट ए। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ आप लोगों को करवाता हूँ। जैसे यहाँ बनाया हुआ है रूट सेवन माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, रूट सेवन का स्क्वायर प्लस रूट फाइव का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस का टू रूट सेवन रूट फाइव। तो रूट सेवन का स्क्वायर कितना होगा, सेवन पाँच, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव माइनस टू, इन दोनों को एक उसमें लिखा जा सकता है, रूट थर्टी फाइव हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सेवन और फाइव इन दोनों को कंबाइंड कर सकते हैं, तो ट्वेल्व माइनस टू रूट थर्टी फाइव। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया इसका। एक एग्जाम्पल और करते हैं हम, तो देखो, तो देखो जैसे यहाँ पे इस बार प्लस दिया हुआ है बीच में, तो क्या होगा, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री और रूट टू, बीच में मल्टीप्लाई है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा, रूट टू का स्क्वायर टू होगा, प्लस यहाँ टू और रूट थ्री और रूट थ्री, रूट टू को मल्टीप्लाई करके रूट सिक्स लिख सकते हैं। तो थ्री प्लस टू कितना हो गया, फाइव, यानी फाइव प्लस टू रूट सिक्स। तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए माइनस बी, रूट ए माइनस रूट बी टाइप का कुछ बन जाए, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए भी आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि कहीं पे ए माइनस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई में होते हैं, तो इसका सिंपल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, बी का भी स्क्वायर, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर टू के एंड में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए बस इसको याद रखो। वे एक्चुअल में ये क्या होता है, आप लोगों ने एट्थ में भी पढ़ा होगा, तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को एट्थ की कुछ चीज़ें अभी तक याद होगी। अगर याद नहीं है तो आप चाहते हो तो इनको क्या कर सकते हो, यहाँ पे साइड में इस टाइप का क्लाउड बना के नोट कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी ए माइनस बी दे रखे, ये इधर होता ये इधर होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, ए का रूट, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की जगह पे रूट ए है तो उसका स्क्वायर माइनस, बी की जगह पे रूट बी है तो उसका स्क्वायर, कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा। तो रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, ए माइनस बी आ गया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ करके देखते हैं, तो देखो जैसे ए माइनस बी और ए प्लस बी टाइप का बन गया इस टाइप का, तो सिंपली क्या कर दो, रूट सेवन स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, रूट सेवन का स्क्वायर तो सेवन होगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, फोर आएगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो इधर भी दोनों का रूट है और दोनों के रूट में अलग अलग है, और यहाँ पे रूट सी और रूट डी है, यहाँ पे रूट ए है और रूट बी है, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट स्लाइड पे बता चुका हूँ कि ए बी सी डी जो भी स्क्वायर रूट में यूज कर रहे हो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इनको कैसे आगे सोल्व किया जाएगा, तो वो अब देखते हैं। तो देखो यहाँ क्या होगा, जैसे पहले यहाँ ए को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर रूट बी को भी इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले रूट ए को रूट सी से करेंगे तो रूट ए रूट सी बनेगा, फिर रूट ए को रूट डी से करेंगे तो रूट ए और रूट डी बनेगा, फिर रूट बी को क्या करेंगे रूट सी से तो रूट बी रूट सी बनेगा, प्लस फिर रूट बी को रूट
डी से करेंगे तो रूट बी रूट डी बनेगा। ध्यान रखना साइन का भी ध्यान रखना। अभी यहाँ पे सब पॉजिटिव था इसलिए मैंने बीच में पॉजिटिव लगा दिया। अगर मान लो ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर जहाँ भी रिजल्ट आता तो ये नेगेटिव बन जाता। तो उसके अकॉर्डिंग आगे हम एक दो एग्जाम्पल्स और करेंगे जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बन गया। अब इन दोनों को क्या किया जा सकता है, एक साथ रूट में लिखा जा सकता है। तो रूट ए सी रूट ए डी और स्क्वायर रूट बी सी प्लस स्क्वायर रूट बी डी, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान रखना ए बी सी डी पॉजिटिव होने चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप इसको आगे सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको कैसे सोल्व करें, तो पहले देखो रूट थ्री को रूट फाइव से करेंगे तो रूट फिफ्टीन बन जाएगा। फिर रूट थ्री को रूट सेवन से करेंगे तो रूट थ्री मल्टीप्लाई सेवन ट्वेंटी वन बन गया। फिर रूट टू को रूट टेन फाइव से करेंगे तो रूट टेन बन गया। फिर रूट टू को रूट सेवन से करेंगे तो रूट फोर्टीन बन गया। तो ये इसका क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और रिजल्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं। कई बार क्या होगा, जैसे कि मान लो यहाँ इसका जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें क्या होगा, जैसे रूट एक ए था तो यहाँ पे केवल क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो सिंपल, जैसे हमारे को आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, बस ये आइडेंटिटी लगानी है तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं हम। तो ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह पे ए है और बी की जगह पे रूट बी है। अब ए का स्क्वायर तो ऐसे कैसे चलेगा, रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और प्लस का टू ए रूट बी। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यही माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो इस एग्जांपल को भी सोल्व करके देख लेते हैं। तो फाइव प्लस रूट फाइव का स्क्वायर, मतलब फाइव का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई रूट थ्री, बीच में प्लस था इसलिए प्लस का लिखा। फाइव का स्क्वायर कितना होता है भाई, फाइव का स्क्वायर कितना होगा, ट्वेंटी फाइव प्लस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस ये कितना हो जाएगा, टू फाइव जा टेन रूट थ्री, ये दोनों एड हो सकते हैं तो ये हो गया ट्वेंटी एट प्लस टेन रूट थ्री। या तो आप यहीं छोड़ सकते हो या एक काम कर सकते हो, इन दोनों में अगर कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हो। तो देखो यहाँ दोनों में दो कॉमन आ रहा है तो दो बाहर ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा फोर्टीन और यहाँ क्या बचेगा फाइव रूट थ्री। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, टू और फिर ब्रैकेट में फोर्टीन प्लस फाइव रूट थ्री। आई होप ये बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम दो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे वाले क्वेश्चन हम लोग करने वाले। तो सिंपल क्या करना है, फोर रूट टू और फाइव रूट टू को एड करना है। तो एड करने की कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, एडिशन तभी होगा जब लाइक क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे रूट फाइव है, यहाँ रूट टू है, यहाँ भी रूट टू है, दोनों लाइक है तो हम सिंपल ऐड कर देंगे। तो फोर रूट टू और फाइव रूट टू कितना हो जाएगा, नाइन रूट टू हो जाएगा। तो नाइन रूट टू हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ देखो तो जैसे सेवन रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री, तो यहाँ भी देखो तीनों के तीनों क्या है, लाइक इरेशनल नंबर्स है। तो सिंपल जैसे ऐड करते हैं वो हम करेंगे, तो या तो पहले इन दो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर इसको ऐड कर दो, या पहले इन दोनों को ऐड कर लो फिर इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे भी कर सकते हो, रिजल्ट वही आएगा। तो पहले सेवन रूट थ्री में से टू रूट थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, फाइव रूट थ्री। फिर उसमें कितना ऐड करना है, थ्री रूट थ्री, तो कितना हो जाएगा, एट रूट थ्री। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रूट के साथ अगर आप लोग डील करना सीख जाओगे तो आप लोगों को कैलकुलेशन आप लोगों की बहुत फास्ट हो जाएगी। तो इसको भी आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं उनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है सेवन रूट टू प्लस थ्री रूट थर्टी टू, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को अभी बताया था कि अगर कहीं पे यहाँ पे बड़ा नंबर दे रखा है और ये आगे और सोल्व हो सकता है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, कितना सेवन रूट टू प्लस इस, ये थ्री ऐसे कैसे चलेगा, क्या हम इसको सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू लिख सकते हैं, रूट थर्टी टू को सिक्सटीन टू जो कितना होता है थर्टी टू, सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू क्यों लिखा, क्योंकि मैं आगे क्या कर सकता हूँ, सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकता हूँ। तो अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, सिक्सटीन रूट टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई है बीच में, रूट सिक्सटीन भी होगा और मल्टीप्लाई रूट टू भी होगा, और रूट सिक्सटीन कितना होता है, फोर होता है। तो इसका रिजल्ट तो कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, और फोर को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, सेवन रूट टू प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व, और ये वाला रूट टू ऐसे कैसे चल रहा है, दोनों को कंबाइंड करोगे तो एड हो जाएगा, फिर रूट टू दोनों एड हो जाएंगे ये वाले, क्योंकि दोनों के क्या है, इरेशनल फैक्टर सेम है। तो सेवन रूट टू और ट्वेल्व रूट टू कितना हो जाएगा, नाइनटीन रूट टू। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, फोर रूट टू।
माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस, यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर नीचे रूट टू दे रखा है तो ऊपर और नीचे दोनों को क्या कर दो, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रूट टू से रूट टू वापस कट जाएगा। फायदा क्या होगा, रूट टू और रूट टू मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा और हमें देखो सबके अंदर रूट टू बन जाएंगे। अभी आगे देखो अगले स्टेप में, तो अब मैं इसको बार बार इनको ऐसे नहीं लिखूंगा कि इसका 4 का रूट और 2 का रूट है, आप लोगों को मैं डायरेक्ट बता देता हूँ भाई, यहाँ 4 का रूट होगा 2 का रूट होगा, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा, 4 रूट 2, यहाँ पे कितना मैं लिख देता हूँ, देखो एक स्टेप आप लोगों के लिए, 4 का भी स्क्वायर रूट होगा 2 का भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर तो 5 रूट 2 और नीचे कितना बन गया, रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा, 2 बनेगा, मल्टीप्लाई 2, यहाँ ध्यान रखना मल्टीप्लाई है बीच में, प्लस 5 बाई 2 रूट 2, तो अब देखो 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 5 बाई 2 रूट 2। अब देखो 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, केवल कितना बचा, 5 बाई 2 और ऊपर स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको देखते हैं, तो देखो यहाँ भी बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हैं, तो पहले कोशिश करो कि इनको हम क्या कर सके, सिंपल कर सके। तो 48 को क्या लिखा जा सकता है, 16 मल्टीप्लाई 3 का रूट लिखा जा सकता है, माइनस इसको 36 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो, आप चाहो तो आप छोटे छोटे भी कर सकते हो फैक्टर्स, इसको क्या लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 2। तो देखो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 हो जाएगा और अंदर केवल 3 बचेगा, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 36 का कितना हो जाएगा 6 और अंदर रूट 2 बच गया, माइनस 9 का 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट, अंदर रूट 3 बच गया, ये 3 ऑलरेडी पहले से है, 9 का कितना हो जाएगा 3 और अंदर कितना बचा 2, ध्यान रखना ये 3 पहले वाला था, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा और ये रूट 2 अंदर बच गया, तो अब हम यहाँ कितना हो गया 4 रूट 3 माइनस 6 रूट 2 माइनस 3 रूट 3 और प्लस 3 जा 9 रूट 2, तो जो भी लाइक दिख रहे हैं उनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो देखो ये वाले दोनों के दोनों क्या है, लाइक है, क्योंकि दोनों में इरेशनल फैक्टर रूट 3 है, इसमें भी रूट 3 है, तो 4 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 कितना होगा, रूट 3 होगा। अब यहां देखो 9 रूट 2 माइनस का और 9 रूट 2 प्लस का और माइनस का 6 रूट 2, तो ये दोनों भी लाइक है, तो 9 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 3 रूट 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर कितना है 1/3 है, इसका भी ऑर्डर कितना है 1/3, भाई यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्यूब रूट, और क्यूब रूट का मतलब होता है ऑर्डर 1/3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइंड करके 4 मल्टीप्लाई 16 लिख सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। अब आप लोगों को अगर 8th क्लास का थोड़ा भी अभी तक याद है तो वहाँ पे चैप्टर था क्यूब एंड क्यूब रूट, तो जो 64 है इसका क्यूब रूट कितना आता है 4, भाई क्यूब रूट का मतलब है किसी भी नंबर को जैसे 3 बार मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, जो 64 आया वो तो क्या कहलाता है, 4 का क्यूब कहलाता है, तो जैसे 4 क्यूब करा तो ये जो क्यूब ऑफ 4 इसको तो बोला जाता है क्यूब, ठीक है, और अगर 64 का क्यूब रूट निकाल दिया जाएगा तो वो कितना आएगा, 4 निकल के आएगा, बिल्कुल उल्टा होगा, तो आप चाहो तो इसको भी आप साइड में नोट कर सकते हो। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये सेम चीज़ है, ऑर्डर सेम है, 1/4 1/4 फोर्थ रूट है दोनों का, तो दोनों को सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, फोर्थ रूट आ जाएगा इसमें दोनों में, मतलब दोनों का फोर्थ रूट कॉमन है, जो इसको कंबाइंड लगा दिया मैंने बाहर, तो ये होगा 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 625 डिवाइड करने पे, ठीक है, तो यहाँ क्या, अब 625 का फोर्थ रूट क्या होगा, अब इसका क्या मतलब है, तो देखो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, 625 के फैक्टर्स करोगे तो ये होगा 5 की पावर 4, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625, और इसका फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/4 होता है, और ये भी हमें पता है पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 से 4 डिवाइड हो गया, 5 की पावर 1 बची, और 5 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 5 होता है, तो इसका रिजल्ट कितना निकल के आएगा, 5।
आप चाहो तो याद भी रख सकते हो। जो फोर्थ रूट किसका, 625 का फोर्थ रूट कितना होगा, 5 होगा। और इसका, इसकी पावर 5 कितनी होगी, मतलब 5 की पावर 4 कितनी होगी, 625। और 625 का फोर्थ रूट कितना होगा, 5। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको भी हम सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 11 प्लस रूट 11 और मल्टीप्लाई है बीच में यहाँ पे, और 11 माइनस रूट 11। तो जैसे ही आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करो तो सबसे पहले तो ये देखा करो कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी टाइप का दिख गया, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 11 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। रूट 11 से क्या होगा, रूट 11 का स्क्वायर में रूट हट जाएगा, 11 आ जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 110। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, एक प्लस है एक माइनस है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट टू का, रूट एट का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। रूट एट का स्क्वायर 8 होगा, रूट टू का स्क्वायर 2 होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन ये एक माइनस में एक प्लस में दे रखा है, तो वही आइडेंटिटी लगेगी। तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ होल स्क्वायर दे दिया, a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का नहीं है, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, तो कितना होगा, पहले a का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे कितना आएगा रूट 3, b की जगह पे रूट 7, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 7 का स्क्वायर 7, फिर 2 मल्टीप्लाई, ये दोनों कंबाइंड करके एक ही रूट में लिखा जा सकता है, 3 7 जा 21। इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, तो ये कितना बन गया, 10 प्लस 2 रूट 21। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम 2-3 एग्जाम्पल्स कोड देखते हैं, तो इसको अच्छे से आप समझ के नोट कर लीजिए। ये 5 क्वेश्चन और हैं, इनको भी सोल्व करते हैं, इसी के साथ फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझना, रूट के साथ डील करना आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बार बार पता नहीं चलेगा आप लोगों को 9th में 10th में कहाँ कौन से वाले, जैसे आप लोग अब 12th चैप्टर पढ़ोगे हिडन्स फॉर्मूला वाला, वहाँ भी क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, रूट कहीं पे बन जाएगा स्क्वायर रूट में, तो उसको कैसे सोल्व करोगे, उसको उसके साथ अगर आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करने आ गए तो आप कोई से भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो देखिए अब यहाँ क्या है, कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही। देखो यहाँ कोई ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप का नहीं दिख रहा, ना ही कोई होल स्क्वायर दिख रहा है, तो अब इसको कैसे सोल्व करें। तो जब कुछ ऐसा नहीं दिखे तो सिंपली क्या करो, इसके हर एक टर्म को इसके हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। पर ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ तो अभी पॉजिटिव है, तो इतना झंझट नहीं है सब में कुछ भी। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 प्लस, फिर 4 को रूट 2 से करोगे तो 4 रूट 2 प्लस, फिर रूट 7 को 3 से करोगे तो एक चीज़ और मैं यहाँ बता देता हूँ, कभी भी क्या होता है रूट 7 मल्टीप्लाई 3 करना है, तो ये 3 को क्या है आगे लिखने का एक ट्रेंड है, ये हमें फॉलो करना है कि भाई 3 को क्या लिखा जाता है, आगे लिखा जाता है, ठीक है। मतलब जो इरेशनल वाले पार्ट को आगे लिख दिया और इरेशनल वाले को बाद में लिख दिया, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है बस। तो जैसे कि रूट 7 को 3 से करेंगे तो क्या बनेगा, 3 रूट 7, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे लिखने से। फिर रूट 7 को रूट 2 से करोगे तो देखो दोनों का रूट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस रूट 14। अब कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड करो, अदरवाइज यहीं छोड़ दो। तो देखो इसका लाइक कोई है क्या, नहीं दिख रहा, इसके लाइक कोई है क्या, वो भी नहीं दिख रहा, इसके लाइक भी कोई नहीं है, इसके लाइक भी कोई नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, पहले तो 3 को क्या करेंगे 5 से, तो कितना होगा 15, फिर 3 को माइनस 2 से करेंगे माइनस रूट 2 से, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का आएगा, 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 2 आ जाएगा। फिर रूट 3 को 5 से करेंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस का आएगा, रूट 3 को 5 से करेंगे तो क्या होगा 5 रूट 3। अब ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का, पहले हमने इसको इससे कर लिया, अब इसको किससे करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूट 3 और रूट 2 को, भाई प्लस माइनस तो माइनस हो गया, रूट 3 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, रूट 6 बन जाएगा। यहाँ पे कोई अगर लाइक दिख रहा है तो उनको ऐड करना है, अभी मुझे कोई भी लाइक नहीं दिख रहा है, देख लो यहाँ रूट 2 है या रूट 3 है या रूट 6 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सारे अनलाइक इरेशनल नंबर से इनको ऐड नहीं कर सकते, और ये वाला पार्ट रेशनल है तो इसको हम इरेशनल के साथ वैसे भी ऐड नहीं कर सकते।
आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सेम क्वेश्चन ये रहा, एक और करके देख लेते हैं। तो रूट फाइव को रूट थ्री से करेंगे, रूट फाइव और रूट थ्री, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो प्लस का रूट 15 हो गया। फिर इसको इससे करना पड़ेगा, तो ये प्लस का ये माइनस का, माइनस का होगा। रूट फाइव को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओनली 5। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये सारे रूल्स मैंने लिखवा दिए हैं, आप चाहो तो अगर आप लोगों ने जहाँ भी लिखा है उस पेज के को पलट के देख सकते हो कि भाई हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो आप लोगों को जैसे। अब देखो इसका फ़ायदा ये होगा आप लोगों को, इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपके पास अलग अलग तरीके की जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है ना वो यहाँ पे आ जाएगी, और साथ में उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाएगा वो भी यहाँ सीख लेंगे। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को भी यूज कर रहे हैं, तो जब बार बार कोई फॉर्मूला यूज किया जाता है तो क्या होगा, वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, वरना आप लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा उसका। तो रट्टा मारने की सिचुएशन नहीं आए मैथ के अंदर, जहाँ तक हो सके वहाँ तक। तो आप लोग कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को फॉर्मूलाज अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो हमने रूट फाइव को इससे कर लिया, अब माइनस टू को प्लस के रूट थ्री से करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा, टू को रूट थ्री से करेंगे तो टू रूट थ्री आ जाएगा। अब इसको इससे करना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई था इसलिए, और फिर टू को रूट फाइव से करेंगे तो टू रूट फाइव। अब कोई भी लाइक नहीं दिख रहा, ये रूट फिफ्टीन है ये ओनली फाइव है, ये रूट थ्री है ये रूट फाइव है, तो कोई भी लाइक नहीं है, तो यही हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब दो क्वेश्चन और है, इनको भी हम कर लेते हैं। तो देखो यहाँ देखो होल स्क्वायर दिख गया, जैसे ही होल स्क्वायर दिखे तो अपने आप समझ जाओ कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना, यहाँ पे ए है ये और बी है ये, दोनों में के बीच में प्लस है, और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का टू ए बी। तो अब ए यानी टू रूट फाइव का स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई ए, ए की जगह पे कितना है टू रूट फाइव, बी बी की जगह पे कितना है थ्री रूट टू। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब स्क्वायर कैसे करें, तो देखो यहाँ पे टू रूट फाइव है, ये आप लोगों को पता होगा ये टू मल्टीप्लाई रूट फाइव है, इस पूरे का स्क्वायर टू है, तो इसका मतलब है ये टू का भी स्क्वायर होगा और रूट फाइव का भी स्क्वायर होगा। तो टू का स्क्वायर क्या होता है फोर हो गया, और रूट फाइव का स्क्वायर क्या होगा फाइव हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, टू का स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई रूट फाइव का स्क्वायर फाइव प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन मल्टीप्लाई रूट टू का स्क्वायर टू प्लस। अब यहाँ पे जो रूट वाले हैं उनको तो एक साथ लिख देते हैं, बाकी सबको एक साथ। तो देखो टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ये तो एक साथ कंबाइंड हो गए। रूट फाइव और रूट टू को क्या लिखा जा सकता है, रूट टेन लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर कितना हो गया देखो, ये हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया 18 हो गया प्लस 12 रूट 10 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 38 रूट 12 प्लस 10। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, या इसमें से कोई कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन भी ले सकते हो। तो यहाँ देखो दोनों में दो कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ दो कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा 19, क्योंकि वापस से 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 बन जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन आया तो कितना बच जाएगा 6 रूट 10। तो या हो सकता है कि फाइनल आंसर ये लिखा हुआ हो या ये लिखा हुआ हो, तो दोनों ही रिजल्ट हमारे क्या है सही है। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। सेम देखो स्क्वायर दिख गया है तो आइडेंटिटी लगेगी, बीच में माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या लिखेंगे इसको, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू रूट फाइव का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई ए की जगह पे थ्री रूट थ्री, बी की जगह पे टू रूट फाइव। अब यहाँ पे थ्री का भी स्क्वायर होगा, रूट थ्री का भी होगा, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, रूट थ्री का थ्री, फिर नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं एक स्टेप पहले लिख देता हूँ, प्लस टू का स्क्वायर फोर, रूट फाइव का फाइव, माइनस टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, रूट थ्री और रूट फाइव को करेंगे तो रूट फिफ्टीन। तो देखो ऊपर ये हो गया 27, ये हो गया 20 माइनस 12 रूट 15 हो गया। तो इन दोनों को कंबाइंड करो तो 47 माइनस 12 रूट 15। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। इसको भी आप वीडियो को अच्छे से कोच करके नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में खुद क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
इसके अलावा बाकी के पहले के लेक्चर्स को आप जरूर देखो, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में हम रियल में क्या पढ़ रहे हैं और इनको कैसे अप्लाई करना है। इसके साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए, अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हो, कोई टॉपिक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वो भी आप बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले किसी लेक्चर में आप लोगों के सभी डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर दिया जाए। इसके साथ ही अगर वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।